ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, अ बॉडी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहना क्या चाह रहा है, एक बॉडी है वो चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये डिजिट हमें ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हमें दे रखा है यहाँ पे कि इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में ये रेस्ट पा जाता है, ठीक है। एक 36 हो गया और आपको एक 10 हो गया, ये दो मेन डिजिट हमें ध्यान रखना है। और उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड इट्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो सिंपल सा बात है हमें कि इसको रेस्ट में लाने हैं, और रेस्ट में लाने के लिए आपको एक बात पता होगा कि फाइनल वेलोसिटी जो होता है ना रेस्ट में आने के बाद जीरो हो जाता है ना। तो हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अपने समझ से लाना पड़ेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, ठीक है, रेस्ट में आने के बाद। तो इसका जो हम अगर सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसमें क्या क्या देना है हमें समझना है। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो इनिशियल स्पीड दे रखा हमें 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकेंड बनाना है, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके रखना है। तो 36 इंटू किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आवर है तो आवर को सेकेंड बनाने के लिए 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होता है ना। ये आप इसको अगर कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो ये आपको 20 से 20 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 2 से 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36, और 18 से 18 2 जा 36, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको मिल रहा है इनिशियल स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको मिल गया। उसके बाद दूसरा बात कह रखा है यहाँ पे क्या, ये कि इसकी जो स्पीड है ना यहाँ पे, ये हो जाता है यहाँ पे जीरो फाइनल स्पीड। तो हमें आपको पता चल गया होगा कि ये वी जो होगा ये जीरो होने वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वी जो लेंगे यहाँ पे, ये ले लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनल स्पीड जीरो हो गया है। और ये टाइम जो लिया है मेरे पास यहाँ पे 10 सेकेंड है ना, तो आपको ये टाइम दिख रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास टाइम 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, तो आपको निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालता है क्या होता है, तो ये मेरा थ्योरी पार्ट में आप देख लीजिए, है ना, एनएस एडो पॉइंट या फिर नवनीत फ्रेम के नाम से आप सर्च करेंगे यहाँ पे, ये इसमें जो थ्योरी पार्ट है मैंने एस सी वर्मा का सॉल्यूशन करा रखा है पहले से, और जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने पहले करा रखा है कि ये सब कैसे आता है, फॉर्मूला को डेरिवेशन कैसे किया जाए, इन सब के वजह से। या आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, अगर आपका कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपको वी माइनस यू अपन टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो वी हो गया 0, यू हो गया आपको 10, और टाइम भी 10 दे रखा है। तो यहाँ पे माइनस 10 अपन 10 की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा माइनस का 1, और एक्सेलरेशन का आपको पता है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया आपको यहाँ पे माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब एक बार क्वेश्चन देखेंगे फिर से। पहला तो पार्ट हमको नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछा था, तो एक्सेलरेशन आपको हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव ही आपको दे रखा था आंसर, ऑलरेडी नेगेटिव एक्सेलरेशन ही पूछा था तो 1 डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता। और उसके बाद दूसरी बात है यह कर रखा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए एस की बात कर रही है ना, एस क्या होगा। तो क्या आपको हम क्या क्या चीज़ गिवन है आप ये देख लीजिए, यू दे रखा आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टाइम दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर दे रखा आपको क्या, एक्सेलरेशन दैट इज़ माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इन सब से आपको एक चीज़ आपको पता होगा, एस इक्वल टू यू टी ए में एक फॉर्मूला होता है जो न्यूटन्स के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हाफ माइनस में क्यों है, तो प्लस होता है, तो ये माइनस 1 की वजह से हुआ, ठीक है, 1 माइनस में है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर प्लस रखते हैं ना, यहाँ पे अगर प्लस रखते हैं तो 1 को माइनस में रखना पड़ेगा। तो आप किसी तरीके से सॉल्व कीजिए, यू का वैल्यू आपको 10 रखना है, टी का वैल्यू 10 रखना है, प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू अब यहाँ पे माइनस का 1 रखना पड़ेगा आपको ना, इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 100, और ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा,
वन बाई टू इंटू टेन का स्क्वायर हंड्रेड होता है, तो ये हो जाएगा आपको हंड्रेड, ये टू से कट जाएगा फिफ्टी टाइम, है ना। तो हंड्रेड माइनस का फिफ्टी इक्वल टू हो गया फिफ्टी मीटर, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 50 मीटर होगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा इस तरीके से, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।